ंग स्टूडेंट्स आई एम प्रभाकर फ्रॉम सीमएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन ऑफ ओबी। मतलब ओबी के प्रोस्पेक्ट में कितने डिफरेंट डिसिप्लिन हैं जो ओ के कॉन्सेप्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं और उन कॉन्सेप्ट को समझने में उन कॉन्सेप्ट को आसान बनाते हैं उन कंट्रीब्यूशनस को हम लोग वन बाई वन स्टडी करेंगे फर्स्ट इज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स वी कैन वी कैन अंडरस्टैंड साइकोलॉजी डील्स विथ ह्यूमन माइंड्स एंड इफ यू आर डीलिंग ह्यूमन माइंड्स दोज ह्यूमन माइंड्स आर अनप्रडिक्टेबल इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड्स एंड इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न एज फार एज ओ बी ह्यूमन माइंड्स के कंसस और अनकंसस माइंड के अप्रोचेस को समझने की बहुत जरूरत है और इसी प्रोस्पेक्ट में साइकोलॉजी जो है ओ बी के इन प्रोस्पेक्ट को समझने में हेल्प करता है इफ यू सी द डिफरेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी विच आर कंट्रीब्यूटिंग एरिया ऑफ ओ बी वी कैन फाइंड आउट की ओबी के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें साइकोलॉजी ने हेल्प किया है दो कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू मोटिवेशन लर्निंग परसेप्शन पर्सनैलिटी इमोशन ट्रेनिंग एम्प्लॉय सेलेक्शन एटीट्यूड वर्क डिज़ाइन जॉब स्ट्रेस देर आर मल्टीपल टॉपिक्स इन विच वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ साइकोलॉजी और ये ओ बी के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं देन अनदर सोशल साइंस सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी स्टडीज द सोसाइटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग और सोसाइटी किस टाइप से फॉर्म हो रही है सामाजिक विज्ञान किस टाइप से सोसाइटी में रहने के लिए जो है नॉर्म्स को क्रिएट करता है इन द सेम वे इफ़ यू टॉक इन द टर्म्स ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स ग्रुप फॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्ट में हम लोग ओ बी में पढ़ते हैं उसके बारे में जो है सोशियोलॉजी हमें बहुत गाइड करता है एंड इवन इट हेल्प्स मैनेजर्स टू टेक फर्म डिसीजन एज फार एज ग्रुप फॉर्मेशन और फॉर्म और इनफॉर्मल ग्रुप्स आर कंसर्न तो सोशियोलॉजी का भी जो कंट्रीब्यूशन है एज फार एज द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ओ बी वेरी ह्यूज नेक्स्ट वन इज सोशल साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी का मतलब है कि जब हम लोग सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के कंट्रीब्यूशंस को मीन्स ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन से उस प्रॉस्पेक्ट में हम ओ बी को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं हियर इट इन द डेफिनेशन इज हैज़ बीन गिवन सोशल साइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी मतलब साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी सोसाइटी के दोनों के एफर्ट्स को जब हम लोग एक जगह करके स्टडी करते हैं तो ये भी ओ बी के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एंथ्रोप थपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमंस ये ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में स्टडी करता है और जैसा कि स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी के डिफरेंट सब सेक्शंस हैं उन सब सेक्शंस को अगर हम लोग स्टडी करते हैं जिसमें कि आर्क्योलॉजी आ जाता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है उसमें जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जिसमें कल्चर और डेवलप मेंट ऑफ कल्चर थ्रू आउट द जर्नी ऑफ ह्यूमन बींग है उसको डिस्क्राइब किया जाता है और उस कल्चर के इन्फ्लुएंस से ऑर्गेनाइजेशन कैसे अफेक्टेड होती है बिहेवियर पैटर्न्स कैसे अफेक्टेड होते हैं उसकी स्टडी जो है हम लोग ओबी में करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज ओ बी इज़ कंसर्न देन वी कैन डिस्कस अबाउट वन मोर सोशल साइंस दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस भी जो है इट ऑलवेज डिस्कसेज अबाउट अथॉरिटी पावर एंड इन दैट प्रोस्पेक्ट ओ बी भी जो है इसी अथॉरिटी और पावर के बेसिस पे जो है डिफरेंट uh, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को चैनलाइज करता है है और उसके बाद जो है इन अथॉरिटी और पावर के इन्फ्लुंसेस से जो रिएक्शन पैटर्न्स डेवलप होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है ये चीज़ें जो है वो भी बताता है तो पॉलिटिकल साइंस जो है इशूज को पॉलिटिकल मैटर्स को चैनलाइज करने के बारे में बताता है और वो भी उसी प्रोस्पेक्ट में जो है ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स को भी चैनलाइज करने के लिए थ्रू प्रॉपर बिहेवियर पैटर्न बताता है तो दैट्स वाई पॉलिटिकल साइंस का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है दैन वन मोर सेगमेंट इज़ देयर दैट इज़ कॉल्ड मेडिसिन मेडिसिन का भी जो है कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स ओ बी के प्रोस्पेक्ट में बहुत है इफ़ यू आर डिस्कसिंग अमूमन माइंड इफ़ यू आर डिस्कसिंग अ ग्रूप बिहेवियर पैटर्न बहुत से ऐसे बिहेवियल पैटर्नस हैं जिससे जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन इज़ हैविंग अ सैडनेस अप्रोच इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग एन्जाइटी इशूज़ दैन इन दैट प्रोस्पेक्ट उनको हैंडल कैसे करना है उन बिहेवियर बिहेवियल डिसऑर्डर्स को हैंडल कैसे करना है है उसमें जो है मेडिसिन अपने साइड से कंट्रीब्यूट करना है करता है स्ट्रेस लेवल को मैनेज कैसे करना है उसको जो है मेडिसिन अपने डिफरेंट मेडिसिन के जरिए जो है उसको सपोर्ट करता है वो भी को कि थ्रू मेडिसिन ऑल्सो दीज थिंग्स दीज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कैन बी कंट्रोल्ड और जो है ह्यूमन बींग से अच्छे प्रोडक्टिविटी की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है देन वन मोर सेगमेंट इज इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का मतलब यह है कि साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड टू द कॉस्ट और इकोनॉमिक्स ऑलवेज स्कार्स रिसोर्सेज की बात करता है मतलब जो रिसोर्सेज कम है उसका जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और उस उस जो है कॉस्ट को कैसे कम करना है मार्केट की डिमांड को कैसे पूरा करना है सप्लाई को कैसे पूरा करना है देर आर सेवरल वेजेज भी इससे रिलेटेड देर आर सेवरल टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और इन इकोनॉमिक्स इन फैक्टर्स में द रिएक्शन पैटर्न ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट प्लेज ए एन इम्पॉर्टेंट रोल उसको स्टडी करके प्रॉपर जो इकोनॉमिक्स के जो रूल एंड रेगुलेशंस है उनको इम्पोज करके ओबी के कंसर्न में देखा जाता है So, students, I hope that through this video you can understand in a brief manner ki, which are the different disciplines which are contributing in the formation of the concept of OBI. In my next video, I will come with some new topics. So, thank you very much, students. Thank you.